आप सभी लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूँ, इस महामारी के समय, कोविड के समय। और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चलेंगे एक्टिवेशन जोन के अंदर, रिवर फ्रंट के पास, जहाँ पर अभी टचिंग का काम चल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ अनीश नोटियाल, और एक्टिवेशन जोन का आज हम आपको डीपली एक वीडियो के साथ में हम आपको डिटेल से पूरा टचिंग दिखाने वाले हैं। जो रिवर फ्रंट जो डेवलप हो रहा है एक्टिवेशन जोन के पास, रिवर फ्रंट का पूरा टचिंग और एक्टिवेशन जोन के साथ जो प्लांटेशंस अभी बहुत ही अच्छे डेवलप हो चुके हैं, जो हम बोलते हैं धोलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। तो फ्रेंड्स, आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आज के इस वीडियो देखने के बाद में आप सभी लोग यकीन करोगे कि धोलेरा एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के एंड में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अभी मैं रिवर फ्रंट के पास हूँ, और आप सभी लोग जानते हैं एक्टिवेशन जोन के पास जो रिवर फ्रंट जो डेवलप हो रही है उसके पास अभी मैं हूँ। TP2A का ये ईस्ट पार्ट कहलाता है। और देखिए आप, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की भी बहुत खूबसूरती से चल चल रहा है। प्लांटेशंस आप देखेंगे तो प्लांटेशंस की कितनी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे की गई है, जो रेडी कंडीशंस में भी है। और टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए जो यहाँ पे बनाया गया है, अभी बिल्कुल रिवर फ्रंट के पास में हूँ। और अभी फाइनल टच यहाँ पे रिवर फ्रंट को मिल रहा है, और जिस दिन ये रिवर फ्रंट बन करके कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिवर बनने वाला है। क्योंकि ये जो रिवर है, इस रिवर के अंदर वो पानी कलेक्ट किया जाएगा, वो पानी स्टोर किया जाएगा, जो पूरे धोलेरा का रिसाइकल होकर के पानी इकट्ठा किया जाएगा। ये पानी इतना शुद्ध होगा कि इसको आप यहीं से पीने के काम भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं इस पानी को, इतना शुद्ध ये पानी होगा। और अभी मैं आपको रोड की टचिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रोड का फाइनल टच अभी चल रहा है। अभी कोविड का समय चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, कोविड में अभी इतनी लेवर्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लेवर्स आसपास आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं और वर्क बंद नहीं हुआ है। ये सबसे खूबसूरत बात है पूरे धोलेरा की है कि यहाँ पे काम बंद नहीं हुआ है। अभी आप देख पा रहे हैं एक्टिवेशन जोन के पास, TP2A के पास ईस्ट पार्ट में अभी मैं हूँ, और यहीं का आज मैंने पूरा डीप आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे वर्क अभी करंट में अभी तक काम हुआ है? आप उस तरफ भी देख सकते हैं, इस तरफ का तो बहुत सारे वीडियोस आज तक आपको मिले होंगे, उस तरफ भी देखेंगे आप तो बहुत अच्छे लेवल पे, वहाँ पे उस तरफ भी काम चल रहा है, JCB भी आपको काम करते हुए नजर आ जाएगी, जो फाइनल टच का अभी रिवर फ्रंट पे अभी काम चल रहा है। और ये 2-3-4 महीने में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जो ये बहुत ही खूबसूरत रिवर आपको दिखने वाली है। मतलब मैं ऑलरेडी आप सभी लोगों को बता चुका हूँ कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर धोलेरा है, और आप सब जानते हैं, अभी जिस दिन ये बन करके का शहर कंप्लीट हो जाएगा, तो यकीन मानिए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर होने वाला है। जी हाँ, सबसे खूबसूरत शहर ये होने वाला है। और घर बैठ करके, अभी कोविड का समय चल रहा है, तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे यूट्यूब पार्टनर्स हमारे हैं, जो काफ़ी दिन से करंट रिपोर्ट मांग रहे थे, तो आज मैंने फाइनली करंट रिपोर्ट बनाने का निर्णय लिया, और आप सभी लोगों तक ये रिपोर्ट मैं पहुंचा पा रहा हूँ। करंट जो अभी अपडेट है धोलेरा का, एक तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ भी बहुत खूबसूरती के साथ में अभी गवर्नमेंट काम कर चुकी है, फाइनल टचिंग चल रहा है। और अभी तो रिवर फ्रंट का एक तरफ का आप सभी लोगों ने काम देखा ही है, सेकंड जो लास्ट कॉर्नर है रिवर फ्रंट का, मैं वहाँ का आपको ये दिखा रहा हूँ, और ये बहुत ही बिल्कुल एंड में ही इसका काम चल रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, ये एक छोटा सा डेमो है धोलेरा का, 22.54 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर।
जो डेमो लगभग बन करके कंप्लीट हो गया है, अगले 8 महीने 10 महीने के अंदर आप सब लोग देखेंगे तो यहाँ पे कंपनीज को पोजीशंस मिलना भी चालू हो जाएंगी। और अभी और एक्टिवेशन जोन का ही मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, देखिए प्लांटेशंस यहाँ पे पेड़ पौधे भी कितने डेवलप हो चुके हैं, लाइट्स वगैरह मैं आपको पिछली वीडियोस में भी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ सारी चीज़ें। और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ में यहाँ पे रोड पूरी डिज़ाइन की गई हैं, आप सेंटर में देख सकते हैं, ये खाली स्पेस भविष्य के लिए छोड़ा गया है, भविष्य में यदि कभी भी चौड़ीकरण का अगर रोड का करना पड़े गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट वो भी कर सकती है, उसके लिए भी स्पेस यहाँ पे पहले से ही वेल प्लान्ड सिटी है। 100 साल 150 साल तक इस सिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि धोलेरा एक बार ज़रूर स्टडी करें, देख सकते हैं प्लांटेशंस देखिए आप कितने डेवलप हो चुके हैं यहाँ पे। लास्ट वीडियोस में आप सभी लोगों ने देखा होगा इतना फिनिशिंग हम आप सभी लोगों तक नहीं दिखा पाए थे, अभी काफ़ी समय हमारे पास था और अभी कोविड भी चल रहा है तो काफ़ी अभी विजिटर्स भी उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं विजिट करने के लिए, फिर भी लोग आ रहे हैं। और आज फाइनल टच मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को, आप सेंटर में देख सकते हैं रेड वाला जो है ये साइकिल ट्रैक है और ये पूरे धोलेरा में आपको मिलने वाला है। यहाँ की खूबसूरती यही है कि पूरे धोलेरा की हर रोड पे छोटी हो या बड़ी हो आपको साइकिल ट्रैक मिलने वाला है, ये पूरा इलेक्ट्रिक होने वाला है। देखिए स्मार्ट बस स्टॉप्स आप देख सकते हैं जहाँ पे QR कोड से बसें बुक होंगी, QR कोड से ही आप यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। एक स्मार्ट पूरा शहर बनाया जा रहा है एक वेल टेक्नोलॉजी के साथ में और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में इस शहर को कंप्लीट किया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरती के साथ में फाइनल टच यहाँ पे चल रहा है। देख सकते हैं आप रिवर फ्रंट का ही मैं आपको दिखा रहा हूँ जो लगभग 8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है रिवर फ्रंट की और बहुत खूबसूरती के साथ में, आप यकीन मानिए मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी आप सभी लोगों को ये बहुत ही खूबसूरत रिवर फ्रंट होने वाला है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा लेकिन दुनिया का ये सबसे खूबसूरत रिवर फ्रंट होने वाला है। और आप अभी जो देख पा रहे हैं ये टूरिज्म के लिए बनाया गया है, जब भी कोई व्यक्ति धोलेरा में घूमने आएगा तो यहाँ पे पूरा टूरिज्म प्लेस भी गवर्नमेंट के माध्यम से बनाया जा रहा है। और आप प्लांटेशन देख सकते हैं, प्लांटेशन की भी कितनी मास्टर प्लान के तहत प्लांटेशन को भी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। देखिए आप कंस्ट्रक्शन लेवल आप देखिए, पिछले 3 साल में 22 स्क्वायर किलोमीटर गवर्नमेंट ने शहर डेवलप किया है, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये धोलेरा के लिए भी और हम सभी भारतवासियों के लिए भी। अभी देख सकते हैं आप आज मैं प्लांटेशन आपको बहुत डीपली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं अभी तक शायद आप सभी लोगों तक ऐसा वीडियो करंट रिपोर्ट करंट अपडेट नहीं पहुँच पाया होगा जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं और काफ़ी दिनों के बाद में मैं करंट अपडेट डाल रहा हूँ तो आप सभी लोग वॉच करेंगे और आप सभी लोग हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद भी करते हैं तो उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी देखिए फाइनल टच में ही है बिल्कुल, ग्रीनरी भी आप देख सकते हैं, ग्रीनरी जो हम बोलते थे ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा बनने वाला, तो आज शायद मुझे लगता है कि 20-30% हम सभी लोगों को ग्रीनरी दिख रही है। प्लांटेशंस देखिए आप कितने डेवलप यहाँ पे हो चुके हैं तो मुझे लगता है अपने आप में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है धोलेरा DICDL के लिए भी और पूरे भारतवासियों के लिए भी और आप और हमारे लिए भी जो धोलेरा में अपना कहीं ना कहीं सपनों का घर बनाना चाहते हैं, अपनी जनरेशन के लिए धोलेरा में आना चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोगों ने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया, आप सभी लोग हमारी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।